हाय फ्रेंड्स, अगर इस समय आपको लाइफ में क्या करना चाहिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, लाइफ की चॉइसेस के बारे में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, लाइफ में इनकम्प्लीटनेस और मोटिवेशन की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल पोयम की, जिसे जो भी सुनता है मोटिवेशन, एनर्जी, पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन से भर जाता है। ये पोयम एडगार ए गेस ने लिखी थी। उनका जन्म इंग्लैंड में 1881 में हुआ था। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स से इंस्पायर होकर एडगार ए गेस ने यह पोयम लिखी थी, लेकिन आज भी इस पोयम की हर एक लाइन मोटिवेशन और लर्निंग्स का खुद में ही एक पावर पैक है। टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए पोयम को शुरू करते हैं। पोयम का टाइटल है इक्विपमेंट। फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ माय लैड, यू हैव ऑल दैट ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड, टू आर्म्स, टू हैंड्स, टू लेग्स, टू आईज एंड अ ब्रेन टू यूज इफ यू वुड बी वाइज। With this equipment, they all began. So start for the top and say, I can. मतलब जो भी लोग इस दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर्स हुए हैं, उनके पास भी आपके जैसे ही दो हाथ, दो पैर, दो आँखें और एक ही मस्तिष्क था उपयोग में लाने के लिए। इन्हीं बेसिक रिसोर्सेस को अपना हथियार बनाकर उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, और इसी हथियार के दम पर उन्होंने खुद को यह भरोसा दिलाया था कि वो अपनी चुनी हुई मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। Look them over, the wise and the great. They take their food from a common plate, and similar knives and forks they use. With similar laces, they tie their shoes. The world considers them brave and smart, but you have all they had when they made their start. हमारे समय के महानतम और सबसे सफल लोगों ने जब अपनी मंजिल की ओर अपनी जर्नी शुरू की थी, तब जो खाना वो खाते थे और जो भी कपड़े वो पहनते थे, वह सब कुछ तो आज आपके पास भी है, और सही मायने में तो उनसे कहीं ज्यादा आज आपके पास है। जब वह लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। यू कैन ट्रायम्फ एंड कम टू स्केल, यू कैन बी ग्रेट इफ यू ओनली विल। You are well equipped for what fight you choose. You have arms and legs and a brain to use. And the man has risen, great deeds to do, began his life with no more than you. आपको जो भी स्किल चाहिए या जो भी लक्ष्य चाहिए, वह आपको मिल सकता है अगर आप चाह लें तो। आपके पास आपका शरीर और मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिन लोगों ने भी जीवन में कुछ बड़ा किया है, उन्होंने अपनी शुरुआत इसी हथियार के साथ की थी। You are the handicap you must face. You are the one who must choose your place. You must say where you want to go. How much you will study the truth to know. आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं। आप खुद अपनी लाइफ को लिमिट करने की चॉइस बनाते हैं। आप जिंदगी में वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप सोच सकते हैं। इसीलिए आपको अपना लक्ष्य और इस दुनिया में अपनी पोजीशन खुद डिसाइड करनी है। ध्यान रखें, आप जो सोच सकते हैं आप वो पा भी सकते हैं। God has equipped you for life, but he lets you decide what you want to be. Courage must come from the soul within. The man must furnish the will to win. So figure it out for yourself, my lad. You were born with all that the great have had. With your equipment, they all began. So get hold of yourself and say, I can. मतलब ईश्वर ने आपको जिंदगी की लड़ाई का सामना करने के लिए बाकी सभी की तरह आपका शरीर आपको एक बेसिक इक्विपमेंट की तरह दिया है। आपके पास कुछ भी कम नहीं है। अब यह पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या चुनते हैं, आप क्या चॉइसेस बनाते हैं। ये चॉइसेस ही आपकी लाइफ के डिसीजंस को प्रभावित करती हैं और आपकी मंजिल तक आपको ले जाती हैं। आपको अपनी मंजिल को केयरफुली चुनना है, क्योंकि आप जो भी मंजिल चुनेंगे वहां तक पहुंचाने का हथियार आपके पास है, और यह वही हथियार है जिसकी मदद से अब तक के सभी महान और सफल लोगों ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। सो चूज योर डेस्टिनेशन वाइजली। ऑल द बेस्ट।